And one last point. याद रखना, आपकी इज्जत, आपकी आबरू, आपकी डिग्निटी, आपका ऑनर, सब कुछ इस सब झंडे के साथ है। इसके साथ खयानत की, यू हैव नो कॉज टू लिव। एंड दे से इफ यू डोंट हैव अ कॉज टू डाई फॉर, योर लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। एंड मेक पाकिस्तान योर कॉज वर्थ डाइंग। मे अल्लाह बी विद यू। थैंक यू वेरी मच जैद साहब। आपने जैद साहब की बातें सुनी, हमारी यहाँ पर जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी उनकी बातें सुनी। अब सवाल जवाब के सिलसिले का हम आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, यू वॉचिंग प्रोग्राम ब्रास टैक्स। हम मौजूद हैं इस वक्त इंडस वैली में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जैद साहब की बातें सुनी पाकिस्तान रेजोल्यूशन के हवाले से। पाकिस्तान यकीनन, जैद साहब ने जैसे कि कहा, इंडीड इज अ मिरेकल। Now we are open for the question answer session. I would request कि आप लोगों में से जो भी question पूछना चाहता है, kindly just raise your hand. Thank you. Please. आपने एक बार हमें अपना किरदार अदा करना है आगे की उसमें, तो हम right now what exactly can we do कि हम आगे जाके जो है वो इस मुल्क को मतलब चला, हमारी अभी क्या responsibility बनती है individual basis, as an individual basis पे और फिर collective basis पे भी। Right. Thank you. देखो बेटा, बहुत से बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं कि हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम क्या कर सकते हैं। बेटा, अल्लामा इकबाल कहते हैं, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आप एक एक बच्चे में वो पोटेंशियल है कि आप पूरी दुनिया की तारीख और तकदीर तब्दील कर सकते हो। अपने आप को डिस्कवर तो करो, जो पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल करो। कुछ नहीं, हमारी हजारों प्रोग्राम, सैकड़ों प्रोग्राम, हमारे इस तरह के लेक्चर्स और बच्चों के साथ डिस्कशन अवेलेबल है। सर्कुलेट दम अपनी अपनी जगह पे, मेक इट अ पॉइंट, इस पाकिस्तान, मेक दिस पाकिस्तान योर बिलवेड। इफ यू हैव टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर दिस पाकिस्तान, मेक दिस डिसीजन कि अपनी जिंदगी में मैं इस पाकिस्तान से खयानत नहीं करूंगा। रोजा, नमाज, जकात, हज आज नहीं काम आएगी किसी को अगर इस पाकिस्तान के साथ खयानत की तो। दिस पाकिस्तान ये अल्लाह के राजों में से एक राज है, अल्लाह के सीक्रेट में से एक सीक्रेट है, और यह खुल रहा है राज। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, इट्स नॉट अ कंट्री। मदीने के बाद ये दूसरी इस्लामी आइडियोलॉजिकल स्टेट है, और हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में पाकिस्तान इज मदीना सानी, इज द सेकंड मदीना, इट्स अ सेक्रेट नेशन, इट्स अ सेक्रेट स्टेट। इसको सेक्रेट कर लो, इसको ऑनर करो, इसको डिग्निफाई करो। नो मैटर वेयर यू आर, फील प्राउड ऑफ बींग अ पाकिस्तानी, एंड देन डोंट लीव इट। पढ़ने के लिए जरूर जाओ, बट मेक इट अ डिसीजन, प्रॉमिस इट, स्वेयर इट विद इन योर सेल्फ कि तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना इस मट्टी के साथ होगा। हैव दिस फेथ इन दिस रिलेशनशिप कि आप उन्हीं के बच्चे हो कि जिन्होंने पूरी दुनिया में पर्शियन और रोमन एम्पायर को उस वक्त जब कुछ भी नहीं था उनके पास उल्टा के रख दिया था, जब चाइना से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक और यूरोप तक उन्होंने सिविलाइजेशन ऐसी बनाई थी जो आज तक इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया बायस है। यू आर देयर चिल्ड्रन, यू आर द सेम मेटल, सेम फाइबर। Have this faith, और इंशाअल्लाह सिर्फ कोई बात, इस पाकिस्तान को महबूब बना लो, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है, ये उम्मत की आबरू है। जब वो 12 साल की बच्ची जंगे त्राबलस में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, जब खिलाफत उस्मानिया की इटली से जंग हुई, तो एक छोटी सी 12 साल की बच्ची ने कहा कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूं मुजाहिदीन के लिए। एंड शी फिगर्ड कि जंग तो छोटे बच्चों का काम ही नहीं है। बच्ची से नहीं, मैं पानी तो पिला सकती हूं ना, तो उसने पानी की बोतल ली एंड शी वेंट इन टू द बैटल फील्ड, और वो मुजाहिदीन को पानी पिलाती थी और उस पर शहीद हुई। इट मेक्स मी इमोशनल इवन टुडे, क्योंकि हमारे बड़े भी रोए थे इस पर। लामा इकबाल ने खूबसूरत पोइम कही थी इस पर, द एंटायर एल्डर्स ऑफ आज, पूरे इंडिया में लोग रोए थे और आज भी रोते हैं। फातिमा, तू आबरू ए उम्मत ए मरहूम है। ए फातिमा, तुम इस उम्मत की इज्जत हो, तुम आबरू हो। जर्रा जर्रा तेरी मुश्त खाक का मासूम है, ईच फाइबर ऑफ यू इज इनसेंट। तुम इस उम्मत की इज्जत हो, ईच वन ऑफ यू आर दोज फातिमाज, ईच वन ऑफ यू आर दोज जिसकी जर्रा जर्रा मुश्त खाक का मासूम है। यू पीपल आर आर फ्यूचर एंड डेस्टिनी। जब वो फातिमा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकती है, हमेशा हमेशा के लिए अलाइव हो सकती है, बस गाजियों को पानी पिलाने से,
So mashallah, Allah has given you more potential than that. Inshallah, you make up your mind and ways will open up in front of you. Thank you. जी, we'll take the next question now. जब हम आपकी बातें सुन के कुछ भी अपना माइंड बनाते हैं और कोई भी अच्छा काम करने के लिए निकलने हैं, तो हमारे पेरेंट्स को ये डर होता है कि इसका करियर दाव पे लग जाएगा या इसकी जो है ना वो खत्म हो जाएगा ये, तो हम उनको किस तरह कन्विंस करें या उनका माइंड किस तरह बनाएं, इस तरह का मेकअप कैसे करें? आपके पेरेंट्स आप तो चाहते हैं कि आप आला तरीन तालीम हासिल कीजिए, जरूर कीजिए, यही तो हम आपसे कह रहे हैं। आपके पेरेंट्स आप तो चाहते हैं आप एक अच्छा इंसान बन गए, यही तो हम आपसे कह रहे हैं। कोई सड़क पर निकल के जुलूस तो नहीं निकालने, पत्थर तो नहीं मारने, कोई सियासी जलसे तो नहीं करने। हम तो आपसे सिर्फ यह कह रहे हैं कि इस पाकिस्तान को अपना महबूब बना लें। हम आपसे यह कह रहे हैं कि इस पाकिस्तान पर जुनून और इश्क की हद तक अपने आप को कुर्बान कर दें। हम आपसे यह कह रहे हैं कि अपने अल्लाह से वो ताल्लुक कायम करें कि आपकी ख्वाहिश आपकी तकदीर बननी शुरू हो जाए। हम आपसे यह कह रहे हैं कि वो इकबाल जिसने आग लगा के इस कौम को इस तरह बेदार कर दिया था कि इन्होंने नामुमकिनात, एक तारीखी नामुमकिनात, हिस्टोरिकल इंपॉसिबिलिटी अचीव कर ली कि पाकिस्तान बना लिया, आप ये क्यों नहीं डिजायर? व्हाई डू यू थिंक इट्स नॉट पॉसिबल कि पाकिस्तान की हां और ना में दुनिया के फैसले हो सकते हैं? ये किस तरह नामुमकिन है? व्हाई डू यू थिंक कि इट्स इंपॉसिबल कि पाकिस्तान 5 साल में चांद पे अपना मिशन लैंड नहीं कर सकता? ये किस तरह नामुमकिन है? किस तरह सोचते हो कि नामुमकिन है ये कि 2-3 साल के अरसे में हम इस मुल्क के अंदर इस कदर मोहब्बत और प्यार और सोशल वेलफेयर और जस्टिस और अदल कायम कर दें कि लोग ज़कात लेकर फिरें और ज़कात लेने वाला कोई ना मिलता हो? बिल्कुल मुमकिन है। जस्ट मेक अप योर माइंड। सिर्फ इस बदगुमानी से, इस डाउट से, शक से निकलो कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, इतना खराब मुल्क है, इसमें तो हर तरफ गंदगी फैली हुई है, कैसे चलेगा मामला? नो, इस बेयकीनी से बाहर निकलो, क्योंकि इंसानों और कौमों को तबाह करने वाली चीज ये बेयकीनी है, शक है, वसवसा है, वहम है। जब तारिक बिन ज़ियाद से कहा गया कि तुमने सिर्फ 12,000 फौजों के साथ जाके यूरोप को फतह करना है, इंदलूसिया को फतह करना है, वो अपनी फौजों के साथ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करके, जिब्राल्टर का नाम ही जबल तारिक से निकला, इसलिए कि जिस पहाड़ पे वो लैंड किए थे उसका नाम ही जबल तारिक पड़ गया। जब वहां लैंड किए तो उन्होंने अपनी फोर्सेस को देखा, लोगों में शक था कि हम इतने बड़े कॉन्टिनेंट को फतह करने के लिए आए, सिर्फ 12,000 हैं, पीछे अफ्रीका हमारा घर है, जरा कोई प्रॉब्लम हुई तो हम वापस लौट जाएंगे। यू नो व्हाट तारिक डिड? अंग्रेजी में मुहावरा बन गया आज तक, टू बर्न ऑल हिज बोट्स। उसने किश्तियों को आग लगा दी, नहीं जा रहे हम वापस। अब पीछे समुंदर था और आगे दुश्मन। And then they captured it against all odds. This is how destinies are created. इसको जुनून कहते हैं, दीवानगी, ये इश्क होता है। तारीखें जब भी लिखी जाएंगी याद रखना वो जुनून, इश्क और दीवानगी से लिखी जाएंगी। कुर्बानी देनी पड़ती है। ये कभी नहीं हुआ कि अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, अपने घरों में बैठ के, अपनी हिफाजत में इंसान तारीखें मुरतब कर दे, तारीखें तब्दील कर दे। इट हैज नेवर हैपेंड। आइदर यू आर ऑन दी wrong side of history or on the right side of it. Either you become history or you create it. And those who create history are honorable people. They pay any price. Magar abhi jo price aapko deni hai, ala tareen taleem hasil karo. Lekin is Pakistan ki ideology se, you are a Muslim first and a Pakistani later. And if you're not a Muslim, then you are a Pakistani first and a Pakistani later. Is matti se pyar karo, isse khianat nahi karna. If you dignify this, because ye mulk sirf ek nation state nahi hai, ye ek ummat e marhoom ki aabru hai. Jis tarah wo Fatima jiska zarra zarra mushte khaak ka masoom tha, is tarah is mulk ki matti ka ek ek zarra masoom hai. You have to sacrifice everything for it. It's a price worth paying. Never hesitate. Bismillah. Thank you very much. Sir, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपना जो प्रोग्राम है वो यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, यू आर वॉचिंग प्रोग्राम ब्रास टैक्स। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जैद साहब ने अपनी गुफ्तगू जारी रखी हुई है। ओके जी, विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नो डाउट बहुत अच्छी हमारी हिस्ट्री गुजरी है, लेकिन अगर हम आज के सिनेरियो में देखें कि लास्ट सिविलाइजेशन, मुस्लिम सिविलाइजेशन एंड हुए बहुत ज्यादा, यानी इवन एक सदी भी नहीं हुई 1924 में जो, यानी हमारी आखिरी खिलाफत जो खत्म हुई, तो आज दुनिया तबाही के इस दाने पर है कि हम लोग, यानी आम मीडिया में ये बात करते हैं कि किसी भी दिन यानी मार्केटें क्रैश हो जाएंगी, किसी भी दिन हमारा रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन स्टार्ट हो जाएगा।
तो यानी एक कहत साली है। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी वजह यही है कि हम लोग जो मुसलमान